नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघु मुखिया और आप सब देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि सिंगापुर सबसे अमीर देश क्यों बना और कैसे बना। सिंगापुर अमीर होने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां का सरकार सिंगापुर के बारे में सोचा, सिंगापुर के आदमियों के बारे में सोचा जो भिखारी है, सिंगापुर के हर इंसान के बारे में सोचा जो जॉबलेस था, सिंगापुर के हर इंसान के बारे में सोचा जिसको घर नहीं था। जब एक बार वहाँ के झोपड़पट्टियों में आग लग गया था तो वहाँ के सरकार ने सोचा कि हर इंसान को घर मिलना ही चाहिए। तब जाकर के सिंगापुर के सरकार ने बहुत ही बारीकी से सोच समझकर फैसला किया कि यहाँ के हर इंसान को घर मिलना चाहिए, हर इंसान को जॉब मिलना चाहिए, हर इंसान को खुद का घर रहेगा तभी तो वो डेवलपमेंट कर सकता है। और वहाँ पर टैक्स जब दिया जाता है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। जब आपको घर खरीदना हुआ, जब आपको बिजनेस करना हुआ, तो आप टैक्स पे किया हुआ पैसा आपको रिफंड पूरा मिलता है, इसीलिए वहाँ पे टैक्स पे करने के लिए कोई टेंशन नहीं होता है। सिंगापुर ने एक सबसे बड़ी बात ये किया कि हर इंसान को घर दे करके बहुत ही विकसित और विकासशील देश बन गए। सिंगापुर ने जब सोचा कि हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बना करके हर इंसान को घर मिले कैसे, तो वहाँ पे सरकार ने ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया और उस घर को भाड़े पे दिया पहले। फिर बाद में धीरे धीरे वो सोचा कि क्यों ना उसको घर खुद का घर दिया जाए, तो उस घर को सरकार ने बेच दिया और वहाँ के 95% लोग खुद के घर में रहने लगे। ये कोई प्राइवेट बिल्डर का काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के सरकार का काम है। इसीलिए आज 95% लोग वहाँ के करोड़पति हैं और खुद के घर में रहते हैं। सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत जगह। सिंगापुर विश्व के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है सिंगापुर। आप किसी भी देश में वहाँ से शिप कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे जगह पे हैं, इसलिए माना गया है क्योंकि वहाँ व्यापारियों केंद्र भी है, खूबसूरत होता है। सिंगापुर में 95% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है सड़कों पर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे जगह जगह पे मशीन लगाया गया है। मेट्रो रेल भी बहुत अच्छी है। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त गार्डन बनाया गया, गार्डन बाय द बे। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। इसमें अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम 3500 से 4000 रुपया इंडियन लग सकता है। ये है यूनिवर्सल स्टूडियो। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत सामान है। वहाँ पे बहुत बड़ा झूला भी है जो आप देख सकते हैं। और ये है मरलाइन, जो आधी मछली और आधी शेर के पुतला बनाया गया है, जहाँ पे एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। हिंदी में सिंगापुर का झूला कहा जा सकता है। वो जो दूर से तो खूबसूरत दिखता है लेकिन वहाँ का खर्चा बहुत है दोस्तों। वहाँ अगर आप जाते हैं तो कम से कम 1800 रुपया तो एंट्री फीस है, और वहाँ पे अगर आप डिनर करते हैं तो 2200 से 2400 रुपया पर पर्सन के ऊपर आता है। मरलिन लाइफ पार्क एंड सी सिंगापुर, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे जाने के लिए आपको 2400 से 2500 रुपया खर्चा करना पड़ता है, और बच्चों को घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। सिंगापुर में बस की सुविधा बहुत ही ज़बरदस्त है, आप 1800 रुपये में पूरे दिन सिंगापुर में घूम सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जन जाते हैं तो 2-4 जन 4 जन 5 जन रहेगा तो टैक्सी की सुविधा आप ले सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप सिंगापुर में ट्रेन में सफ़र करते हैं और रोड पे जाम कम करते हैं तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिला जाता है स्मार्ट कार्ड में। सिंगापुर में स्मार्ट कार्ड भी बनता है, तो सिंगापुर में घूम सकते हैं आप बहुत ही कम पैसे में। इस तरह से बना हम ये सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत और शानदार और महंगे शहर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हाँ, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, खुश रहिए।